हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स बूस्टर हमारा जो सेक्शन है उसमें 26 सितंबर 2018 में हम आज अपना नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आज के कंटेंट्स देख लेते हैं हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले है सुकन्या समृद्धि योजना, इसको कवर करेंगे हम। इससे रिलेटेड कोई एक नई न्यूज़ है वो हमें अभी आपको आगे बताएंगे। उसके बाद है फेसबुक एक्शन ऑन फेक न्यूज़, इस चीज़ को भी देख लेंगे। फेसबुक ने कोई एक्शन लिया है फेक न्यूज़ के ऊपर, जो अफवाहें रहती हैं। थर्ड हमारा रहेगा वायु, और उसके बाद लेट श्री जसदेव सिंह जी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना सबसे पहले देख लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये जो है, ये लोगो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और ये सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट हाइक्स इंटरेस्ट रेट फॉर दिस योजना फ्रॉम 8.1% टू 8.5%। मतलब इस योजना के लिए जो ब्याज दर मिलती थी उसे 8.1% से बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया है। और ये चीज़ जो है ये लागू होने वाली है अक्टूबर 2018 से। ये हमारा करेंट अफेयर का आज न्यूज़ था। पर जैसे कि आपको पता है, हम बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें कवर करते हैं, तो उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो हमारे देश में 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से लॉन्च हुआ था, तो उससे रिलेटेड है ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है। और सुकन्या समृद्धि योजना के भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी हमारे देश में कि हमको ये जो कैंपेन है, जो योजना है, उसको लॉन्च करना पड़ा। तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे देश में, कोई कोई ज़िले ऐसे थे कि जहाँ पर जो सेक्स रेशो था, चाइल्ड सेक्स रेशो, वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस पाया जा रहा था। स्पेशली स्टेट्स लाइक हरियाणा और कुछ और स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट थी। तो ऐसी ज़रूरत महसूस की कि वहाँ पर अवेयरनेस हमको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो भ्रूण हत्या वगैरह जैसी चीज़ें हैं और बालिकाओं को एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना, ऐसी सब चीज़ें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाया जाए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मदद से, कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, और गवर्नमेंट का भी इसमें सहयोग मिले। तो ऐसा सोच के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया। तो इसी योजना का एक पार्ट है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो सुकन्या समृद्धि योजना में बेसिकली हमको ये करना है कि बेटी जब हमारे यहाँ पैदा हुई तो उसका एक अकाउंट खोलना है हमको बैंक में। और ये अकाउंट जो है, ये किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस या तो फिर कोई भी ऑथराइज कमर्शियल बैंक जो है, बैंक की शाखा में इसे खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने की जो सीमा है ये जो है ये शून्य, मतलब जब बेटी पैदा होगी तब से लेकर जब तक के वो 10 साल की हो रही है, ऐसे अवधि में कभी भी हम इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपन फ्रॉम बर्थ टिल 10 ईयर्स ऑफ एज, और वन अकाउंट पर चाइल्ड इसकी पॉलिसी है, मतलब एक बच्चे का एक ही अकाउंट रहेगा। इसके बाद जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियन, जो भी ये अकाउंट को खोल रहे हैं, तो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ये अकाउंट खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, पर इसमें एक एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर किसी के यहाँ पे ट्विंस है, जुड़वा है, या फिर 3 बच्चे हैं किसी के एक साथ हो गए हैं, तो वो उनको इससे बाहर रखा जाएगा और उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो सुकन्या समृद्धि योजना में लाभार्थी बन सकें। मिनिमम डिपॉजिट जो है, जो हमारे फर्स्ट ईयर का जो है, 250 रुपये कम से कम मिनिमम आपको देना है, और 1 लाख रुपये पहले साल में मैक्सिमम लिमिट तय की गई कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसके बाद 15 वर्ष तक आप ऐसे अकाउंट में पैसा जमा करते रहिए जितने आपको जम रहे हैं, और उसके बाद जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ही आपको मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शेष वर्षों के लिए जो बचा रहेगा, और बच्ची जब 18 साल की हो जाती है तो उसे ज़रूरत महसूस होगी कि हायर एजुकेशन करना है उसे, तो उसके लिए 50% तक का जो पैसा जमा है आपका, वो आप उसको में विड्रॉल कर सकते हैं। और इसके जो मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब अकाउंट जो है वो मैच्योर होगा 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट। 21 वर्ष जब हो जाएंगे अकाउंट को खोले हुए, तब जो है अकाउंट में मैच्योरिटी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा फर्स्ट न्यूज़। और सेकंड हम अफेयर देखते हैं, ये है फेसबुक एक्शन ऑन फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ जो भी हैं, फर्जी खबरें जो फैल जाती है, उसके लिए हमने देखा था व्हाट्सएप ने कुछ एक्शन लिया था एक दिन पहले, हमने कल डिस्कस किया था। कोमल लहरी, इन्हें उन्होंने अपॉइंट किया है इंडिया के लिए कि फेक न्यूज़ पर वो ध्यान दे।
उसी के तर्ज पर फेसबुक ने भी, फेसबुक में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि फेसबुक में लोग कुछ भी फेक न्यूज़ अफवाहें रहती है जिसका कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं रहता है, पर वो उन्हें शेयर करते जाते हैं, फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे में मॉब लिंचिंग, जो भीड़ हत्या वगैरह, ऐसी समस्याएं हमारी कंट्री में भी महसूस देखी जा रही है। तो इसके लिए अजीत मोहन MD और वाइस प्रेसिडेंट फेसबुक ने इन्हें नियुक्त किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंट्स अजीत मोहन एस MD एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। तो क्योंकि फेसबुक से रिलेटेड एक न्यूज़ है तो हम बैकग्राउंड में इसके कुछ देख लेते हैं फेसबुक के बारे में। तो ये एक अमेरिकन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइडर है जिसे मार्क जकरबर्ग ने 2004 में लॉन्च किया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वह कैलिफोर्निया में है, और फेसबुक की कुछ सहायक कंपनियां जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। इसके बाद हम थर्ड अफेयर देख लेते हैं, ये है वायु विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ये वायु जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, और विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट। इसका मतलब हम पहले देख लेते हैं, तो इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये सेकेंड फोटो में आप देख रहे होंगे दो बच्चे हैं, इन्होंने रुमाल बांधा हुआ है। तो फोटो से ही क्लियर हो रहा है कि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ समस्या है। तो दिल्ली में रिसेंटली हमने पाया है, या हमारे और मेट्रो सिटी में भी, कि एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है उसके मानक जो है ये वर्ल्ड से कंपेयर करें अगर हम, तो हमारे कंट्री में ये प्रोमिनेंट प्रॉब्लम बनती जा रही है एयर पॉल्यूशन की। तो इसमें बहुत सारी समिट्स हमारे यहाँ हो रही है, बहुत सारे मेजर्स अलग अलग लिए जा रहे हैं कि हम कैसे एयर पॉल्यूशन को कम कर सकें। तो उसी के तर्ज पर ये विंड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं वायु, तो इसको जो है ये लाने की हमको ज़रूरत महसूस पड़ी। ये क्या करेगा, ये एक टाइप का प्यूरीफायर है, जैसे कि वाटर प्यूरीफायर होता है हमारे घर में, हम एक्वागार्ड RO ऐसी चीज़ें लगाते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को प्यूरीफाई करते हैं। वैसे ही एयर तो नेचुरली रहती है बाहर एनवायरमेंट में, तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए ये विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरीफाइंग यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स सेटअप किए जाएंगे अलग अलग जगह पे। जैसे कोई चौक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कोई एरिया जहाँ पाया गया कि यहाँ एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसी जगह में। और ये एक प्यूरीफायर जो रहेगा ये 500 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में एयर को प्यूरीफाई करेगा। तो इसे बनाने वाले कौन है ये देख लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इसने डेवलप किया है इसको नेरी के हेल्प से। तो ये है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर का है नेरी। उसके बाद नेक्स्ट खबर देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है एक। ये जसदेव सिंह जी जो है स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर थे, ये हमारे कंट्री के रिनाउंड, और बचपन से ही हम जो रिपब्लिक डे की परेड वगैरह सुनते थे उसमें इनकी आवाज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये जसदेव सिंह जी, इनका निधन हो गया है, और इन्हें बोला जाता था कि वॉइस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स ऑन DD। ये जसदेव सिंह जी को पद्मश्री पद्मभूषण दोनों अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं इसके पहले। ये एक खबर थी। इसके बाद फ्रेंड्स हम हमारे अगले सेक्शन स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 मिल चुके हैं। तो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स भारत में खेल की श्रेणी में सर्वोच्च जो अवार्ड है इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड माना जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स जिनको मिलते हैं ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स के पर्सनालिटी होती है जिसे ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम फोटो में देख ही सकते हैं कि दोनों जो हमारे फोटो में बने हुए हैं, विराट कोहली जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और मीराबाई चानू। फ्रेंड्स इनके नाम में अगर हमारे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो रही होगी तो प्लीज़ हम माफ़ी चाहते हैं। तो ये साइखोम मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से हैं, और इन दोनों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो विराट कोहली तो आप जानते हैं, इन्हें विराट रन मशीन कोहली भी कहा जाता है। विराट कोहली बहुत सालों से कंटिन्यूसली इंडिया के लिए रन्स बना रहे हैं और मैचेस जिता के दे रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मीराबाई चानू जो है ये वर्ल्ड चैम्पियन है वेट लिफ्टिंग में, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ये ग्लासगो 2014 कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडलिस्ट थी, और गोल्ड कोस्ट 2018 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ये बहुत ही हमारे लिए, देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये जो है ये मणिपुर से आती है, और विराट कोहली दिल्ली के। उसके बाद खेल रत्न अवार्ड्स जो है इनका बैकग्राउंड कुछ देख लेते हैं। तो ये 1991-92 से दिए जा रहे हैं, और फर्स्ट रिसिपियंट जो पहले प्राप्त करता थे ये अवार्ड्स के वो थे चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद यहाँ पर लिखा हुआ है। और यंगेस्ट रिसिपियंट जो सबसे कम उम्र में पाने वाले इस अवार्ड को वो है अभिनव बिंद्रा, इन्हें महज 18 वर्ष की उम्र में ये खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
अच्छा विराट कोहली के बारे में एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, विराट कोहली थर्ड क्रिकेटर है जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसके पहले क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड और MS धोनी जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे, इन्हें यह अवार्ड्स रेस्पेक्टिवली 1997 और 2007 में दिए जा चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अर्जुन अवार्ड, तो आप फोटो में देख सकते हैं ये है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड इस वर्ष बहुत सारे लोगों को मिले हैं, लगभग 20 लोगों को मिले हैं। तो एक साथ अगर हम इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, आपको याद करने में भी प्रॉब्लम जाएगा और इसका कवरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि पार्ट पार्ट में हम आने वाले 3-4 दिन में 4-4, 5-5 लोगों को देखेंगे जिन्हें ये अर्जुन अवार्ड्स इस साल दिए गए। तो अर्जुन अवार्ड्स 1961 से स्टार्ट हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारे यहाँ पे ये इस अवार्ड को देती है। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक करते हैं, जेवलिन थ्रो बोलते हैं इसको, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 2018 के एशियन गेम्स में। ये आप फोटो में देख सकते हैं नीरज चोपड़ा यहाँ पर बने हुए हैं। और नीरज चोपड़ा के बारे में एक चीज़ हम याद रखेंगे कि अभी जो 2018 में एशियन गेम्स हुए इंडोनेशिया में, ये नीरज चोपड़ा जो थे इन्होंने भारत का जो फ्लैग है वो अपने हाथों से लिया था जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें। ये एक रिमार्केबल है नीरज चोपड़ा के बारे में हम याद रखेंगे। सेकंड हम देखेंगे हिमा दास, हिमा दास अभी रिसेंटली ये भी ऐसी पर्सनालिटी बन गई है कि इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है क्योंकि इन्होंने वैसा काम कर दिखाया है। तो हिमा दास ये एथलीट हैं, इन्हें धिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये आसाम स्टेट से आती है और इन्होंने गोल्ड जीता है अभी 2018 में 4x400 मीटर रिले में। इसके बाद जिनसन जॉनसन है, ये केरल के हैं जिनसन जॉनसन, ये भी एथलीट है। जिनसन जॉनसन ने अभी 2 मेडल्स जीते हैं हमारे 2018 के इंडोनेशिया गेम्स में, तो ये है 800 मीटर की कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद मनिका बत्रा टेबल टेनिस, ये दिल्ली की हैं मनिका बत्रा, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आज के लास्ट हम देखेंगे, इसके बाद अर्जुन अवार्ड्स और लोगों को भी मिले हैं लेकिन हम इसे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रहे। तो ये जी साथियन इन्हें टेबल टेनिस में इस साल मिला हमारा अर्जुन अवार्ड। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट किसे किसे अर्जुन अवार्ड्स मिले हैं। तो नीरज चोपड़ा, हिमा दास, जिनसन जॉनसन, मनिका बत्रा और जी साथियन इन्हें मिला है। तो कोई भी स्पोर्ट्स रहेगा फ्रेंड्स तो आपको ऐसा करना है कि उस स्पोर्ट्स को पकड़े और उसमें कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड इस साल मिले हैं उसे याद करने की कोशिश करें। और इसी क्रम में याद करें कि फोटोज जो है वो फोटोज कई बार हमारे मेमोरी में कैप्चर हो जाते हैं तो ये जैसे दिखते हैं और उनका नाम, तो इस चीज़ को बिल्कुल आप जहन में बैठा लीजिए अपने। तो एग्ज़ाम में क्या है, हमें ऐसा है कि ये सब चीज़ें इसलिए याद करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और हमें सीधा इसको टिक लगाना है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज़्यादा। तो जी साथियन बोलने से आपको ये हल्का सा ये चेहरा दिखना चाहिए, मनिका बत्रा ऐसे, जिनसन जॉनसन, ये हिमा दास और ये नीरज चोपड़ा। तो ऐसे इस ढंग से अगर इस पैटर्न में आप याद करने जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा क्योंकि वैसे आप देखेंगे कि किसी टेबल में या किसी मैगजीन में ऐसा एक टेबुलर फॉर्म में लिखा रहता है तो वो बहुत मुश्किल जाता है याद करने के लिए। ये हमारे द्वारा भी ये प्रॉब्लम फेस की गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को रेट, रिव्यू, रिकमेंड कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है और आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके द्वारा, तो उसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं हम उसको प्रोवाइड कर सकें आपको। तो PC एजुकेशन 19 ये हमारा फेसबुक पेज है, आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।